नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी बिमल द्विवेदी की अगुवाई में उन्नाव जनपद के लाल हुतात्मा शशिकांत तिवारी जी की पुण्य स्मृति में आयोजित हुए कार्यक्रम में शशिकांत तिवारी सहित देश की सुरक्षा हेतु शहीद हुए अन्य सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद शशिकांत तिवारी की पत्नी अनिता तिवारी व मां सुधा तिवारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जितेंद्र जी व बिमल द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। ध्यान रहे जनपद के बेटे हुतात्मा शशिकांत तिवारी जी, जो कि सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं देते हुए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में 18 मार्च 2019 को वीरगति को प्राप्त हुए थे। गत वर्षों में भी हिंदू जागरण मंच बिमल द्विवेदी की अगुवाई में यह कार्यक्रम करता रहा। शहीद शशिकांत तिवारी के परिवार ने इसके लिए मंच का धन्यवाद दिया। आज से 2 वर्ष पूर्व हम सब ने ये संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष शहीदों के नाम से एक कार्यक्रम हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये तीसरा वर्ष है हिंदू जागरण मंच द्वारा शहीदों के नाम का कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ, अमर शहीद शशिकांत तिवारी जी के पुण्यतिथि पर वीर नारियों का सम्मान व 2 दर्जन से अधिक पूर्व सैनिकों का सम्मान, प्रशासनिक अधिकारी व समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। आप सबके माध्यम से देख रहे हैं कि देश भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से आम जनमानस से अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम साल में एक दिन आपने आसपास रहने वाले शहीदों के परिजनों के घर जाकर उनके हालचाल अवश्य पूछें, उनके सुख दुख में खड़े हो। हिंदू जागरण मंच का सिर्फ यही उद्देश्य है कि प्रत्येक जो हमारे लाखों लाख सैनिक, सेना के सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, हम सबका भी दायित्व बनता है कि उनके परिवार के साथ हम सब उनके साथ खड़े रहें। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनको जिनकी स्मृतियों में जैसे कहते हैं कि हम सब उनको याद करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज सब आप सबके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ, उनको शशिकांत तिवारी जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और यहाँ आए उपस्थित सभी सैनिकों को उनके चंदन उनको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे सब उपस्थित हुए। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।